हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग मेंडल साहब के सेकंड एक्सपेरिमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। जब दो जीन मतलब दो कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन जीन में होता है, इसीलिए जब हम दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए हम दो इंडिविजुअल में क्रॉसिंग कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जीन पे, दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर पर ही फोकस किए थे। इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टर पे फोकस करेंगे। मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ये समझेंगे कि दो कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला कैरेक्टर ले लेते हैं हम लोग सीड का शेप और दूसरा कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं सीड का कलर। दैट मींस मेंडल साहब ने दो कैरेक्टर चूज किया, पहला सीड शेप और दूसरा सीड कलर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीड शेप जो कैरेक्टर है इसका दो ट्रेट होता है। मतलब सीड शेप जिस जीन पे पाया जाता है, इस जीन का दो एलील होता है, पहला राउंड और दूसरा रिंकल। राउंड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल इज रिसेसिव ट्रेट। मतलब राउंड ट्रेट वाला एलील डोमिनेंट होता है एंड रिंकल ट्रेट वाला एलील रिसेसिव होता है। सिमिलरली सीड कलर भी दो फॉर्म में पाया जाता है, येलो एंड ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं एंड रिसेसिव को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो राउंड को हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे एंड रिंकल को हम लोग स्मॉल आर से लिखेंगे। येलो को हम लोग कैपिटल वाई से लिखेंगे एंड ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको नोट्स में मत लिखना आप लोग, ये हम लोग पहले लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो मेंडल साहब ने दो प्लांट लिया, एक प्लांट ऐसा लिया जिसका सीड राउंड एंड येलो है और दूसरा प्लांट ऐसा लिया जिसका सीड रिंकल एंड ग्रीन है। ये जो राउंड एंड येलो है ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है और दोनों प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? राउंड के लिए होगा कैपिटल आर एंड येलो के लिए होगा कैपिटल वाई। वही रिंकल एंड ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है, तो रिंकल के लिए हो जाएगा स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई। याद करो, जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ एक ही लेटर लिख रहे थे, टी। यहाँ पे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग दो लेटर लिख रहे हैं, RR YY। अब मेंडल साहब ने इन दोनों पेरेंट्स प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा दिया, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट के मेल गैमेट को दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों प्लांट का गैमेट बनेगा। जब गैमेट बनता है तो जितना भी जीन का पेयर होता है उन सभी पेयर का एक एक एलील ही गैमेट में आता है। यहाँ हम लोग दो पेयर का बात कर रहे हैं, एक राउंड शेप और दूसरा येलो कलर। राउंड शेप का दोनों एलील कैपिटल आर है। तो गैमेट में कोई भी एलील आए, गैमेट में कैपिटल आर ही आएगा। और येलो कलर के लिए दोनों एलील कैपिटल वाई है। तो गैमेट में कोई भी एलील आ जाए, कैपिटल वाई ही आएगा। मतलब होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड का जो गैमेट बनेगा वो सब गैमेट एक जैसा होगा, सभी गैमेट में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई ही पाया जाएगा। होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड प्लांट का इसके अलावा और कोई दूसरा गैमेट बन ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से रिंकल एंड ग्रीन सीड का जो गैमेट बनेगा वो सभी गैमेट एक जैसा होगा, सभी गैमेट में स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ही पाया जाएगा। जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तो हो गया इसका जीनोटाइप, लेकिन इसका फिनोटाइप कैसा होगा, मतलब ये दिखेगा कैसा? इसका सीड दिखेगा राउंड एंड येलो, क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर को सप्रेस कर देगा एंड ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सप्रेस कर देगा।
कैपिटल आर राउंड के लिए है और कैपिटल वाई येलो के लिए है। दैट मीन्स F1 जनरेशन में जितना प्लांट होगा सबका सीड राउंड एंड येलो होगा। जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का सारा प्लांट टॉल हो गया था, ठीक उसी तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन का सारा प्लांट राउंड एंड येलो सीड वाला हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तरह डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल साहब ने F1 प्लांट में सेल्फिंग करा दिया, मतलब F1 प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट के मेल गैमेट को सेम प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराना। नाउ ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है ये प्लांट अब पेरेंट बन जाएगा और अब इस F1 प्लांट का गैमेट बनेगा, लेकिन जो गैमेट बनेगा उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। देखो हम जानते हैं कि गैमेट में पेयर का सिर्फ एक एलील ही आता है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा गैमेट का वो देख लेते हैं। देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, और लास्टली ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। सो F1 जनरेशन के प्लांट में चार तरह का गैमेट बनेगा क्योंकि दोनों कैरेक्टर हेटरोजाइगस कंडीशन में है। ये 4 टाइप का गैमेट कैसे बना इसको एक बार और समझ लो। देखो दो कैरेक्टर है, एक है हेटरोजाइगस राउंड और दूसरा हेटरोजाइगस येलो। दोनों तरह का आर दोनों तरह के वाई के साथ कंबाइन करके गैमेट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बनाया, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बनाया, उसके बाद ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बनाया, और लास्टली ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बना दिया। अब ये जो चार मेल गैमेट और चार फीमेल गैमेट बना इसको आपस में फ्यूज कराना है। इन चार चार आठ गैमेट के फ्यूजन को हम अच्छी तरह से पनेट स्क्वायर में ही दिखा सकते हैं। चूंकि चार चार आठ गैमेट है तो चार कॉलम होगा और चार रो होगा एक पनेट स्क्वायर में, और इस पनेट स्क्वायर में ऊपर की तरफ मेल गैमेट लिखेंगे और नीचे की तरफ फीमेल गैमेट लिखेंगे, और इस गैमेट के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा बनेगा वो F2 जनरेशन कहलाएगा। चलो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसमें हर एक गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और कॉम्बिनेशन बनाएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को बनाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ सेकेंड रो, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, पहले कैपिटल वाई को लिखेंगे उसके बाद स्मॉल वाई को लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। नाउ थर्ड रो, स्मॉल आर कैपिटल आर, हमेशा कैपिटल को पहले लिखते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर
कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. नाउ फोर्थ रो, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ये हो गया 16 कॉम्बिनेशन, मतलब 16 ऑफस्प्रिंग. अब ध्यान से समझो, राउंड एंड येलो इज डोमिनेंट ट्रेट, दैट मीन्स कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट. तो जिस भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई होगा वो राउंड एंड येलो दिखेगा. अब पनेट स्क्वायर की तरफ देखो, इसमें कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है तो ये कैसा दिखेगा, राउंड एंड येलो दिखेगा. इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा. इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा. ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा. इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा. और इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा. अब वैसा ऑफस्प्रिंग जिसमें कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, दोनों वाई स्मॉल लेटर का वाई है, तो ऐसा ऑफस्प्रिंग राउंड एंड ग्रीन दिखेगा, क्योंकि स्मॉल लेटर वाई इज फॉर ग्रीन कलर. अब पनेट स्क्वायर में देखते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये कैसा दिखेगा, राउंड एंड ग्रीन दिखेगा. यहाँ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड एंड ग्रीन दिखेगा. यहां कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये भी राउंड एंड ग्रीन दिखेगा. अब वो ऑफस्प्रिंग जिसमें कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, दोनों आर स्मॉल लेटर आर है. स्मॉल लेटर आर रिंकल शेप के लिए होता है, तो ऐसा ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड येलो दिखेगा. इस चीज को पनेट स्क्वायर में देख लेते हैं. देखो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो ये कैसा दिखेगा, रिंकल एंड येलो. स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी रिंकल एंड येलो दिखेगा. नाउ हियर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी रिंकल एंड येलो दिखेगा. अब सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग बचा, स्मॉल आर रिंकल के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये रिंकल एंड ग्रीन दिखेगा. तो कितना ऑफस्प्रिंग राउंड एंड येलो हो गया, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 ऑफस्प्रिंग राउंड एंड येलो दिखेगा. कितना ऑफस्प्रिंग राउंड एंड ग्रीन दिखेगा, तो 1 2 एंड 3, ये 3 ऑफस्प्रिंग राउंड एंड ग्रीन दिखेगा. कितना ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड येलो दिखेगा, तो 1 2 3, 3 ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड येलो दिखेगा. अब बचा सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग, ये कैसा दिखेगा, ये ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड ग्रीन दिखेगा. दैट मीन्स रिंकल एंड ग्रीन सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग दिखेगा. ये क्या निकला, ये 9:3:3:1, यही है डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जेनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो. दैट इज आउट ऑफ 16, 9 प्लांट का सीड राउंड एंड येलो होगा, 3 प्लांट का सीड राउंड एंड ग्रीन होगा, 3 प्लांट का सीड रिंकल एंड येलो होगा, और सिर्फ 1 प्लांट का सीड रिंकल एंड ग्रीन होगा. तो ये हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जेनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:2:4, 1:2:1:2:1. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो हम लोग नहीं पढ़ेंगे. नाउ मेंडल साहब F2 जेनरेशन के प्लांट्स को देखकर सरप्राइज्ड हो गए
क्योंकि उन्होंने जो पेरेंट प्लांट लिया था उसमें से एक प्लांट राउंड एंड येलो था और दूसरा प्लांट रिंकल एंड ग्रीन सीड वाला था, और उनको लगा था कि F2 जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे सभी अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, या तो राउंड एंड येलो सीड वाले होंगे या फिर रिंकल एंड ग्रीन सीड वाले होंगे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे हुए थे, कुछ बच्चे टॉल और कुछ बच्चे शॉर्ट। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के बच्चों को देखकर मेंडल सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि कुछ बच्चा तो पेरेंट्स से मिल ही नहीं रहा है, कुछ तो मिल रहा है, जैसे राउंड और येलो ये मिल रहा है अपने पेरेंट्स से, रिंकल एंड ग्रीन ये भी अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, लेकिन राउंड और ग्रीन ये कहां से आ गया, रिंकल एंड येलो ये कहां से आ गया। दोनों पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट राउंड और ग्रीन सीड वाला नहीं है, ना ही रिंकल एंड येलो सीड वाला है, तो इस तरह के बच्चे कहां से आ गए। ये राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, ये दो नया कॉम्बिनेशन निकल करके आया F2 जनरेशन में, ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं था। और इस न्यू कॉम्बिनेशन के कारण को खोजते खोजते मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ प्रपोज कर दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है ग्रुपिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन गेट ग्रुप्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। दैट मीन्स गैमेट बनते वक्त कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ पेयरिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। मतलब गैमेट में किसी भी जीन का कोई भी एलील आ सकता है, उस एलील को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कौन सा एलील आ रहा है। चूंकि गैमेट में एलील इंडिपेंडेंटली आता है, इसीलिए ट्रेट भी इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में। So, according to this law, we can say that inheritance of one trait is independent of inheritance of another trait. अब थोड़ा ध्यान दो। देखो, round एक trait है, wrinkle भी एक trait है, yellow एक trait है, green भी एक trait है। ये जरूरी नहीं है कि अगर seed round होगा तो seed को yellow भी होना पड़ेगा। ये जो round trait है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि सीड ग्रीन है कि येलो है। इसीलिए F2 जनरेशन का कुछ प्लांट राउंड और ग्रीन हो गया और कुछ प्लांट रिंकल एंड येलो हो गया। चलो मैं अपना ही एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लो कि मेरे पापा टॉल हैं और मेरे पापा डार्क हैं, और मेरी मम्मी शॉर्ट है और मेरी मम्मी फेयर है, तो जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है वो पापा से आ गया, और ये जो फेयरनेस वाला कैरेक्टर है वो मम्मी से आ गया। ये जरूरी नहीं है कि पापा का टॉलनेस वाला कैरेक्टर मेरे अंदर आया तो पापा का डार्कनेस वाला कैरेक्टर भी मेरे अंदर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पापा का टॉलनेस वाला कैरेक्टर आ गया और मम्मी का फेयरनेस वाला कैरेक्टर आ गया। कोई भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आ सकता है मेरे अंदर। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।